हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम लोग चीज को समझ गए कि पृथ्वी देवी इतनी सुखी, इतनी समृद्धि, संपत्ति, दूसरों को पोषण करने की शक्ति, ये सब प्राप्त किए थे एकमात्र और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपा के कारण। कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में थे, अर्थात इस धराधाम में थे, पृथ्वी देवी बहुत ही प्रफुल्लित थी। लेकिन उनको अनुभव ऐसे समय हुआ जिस समय भगवान श्री कृष्ण चले गए भगवत धाम। तो ये चीज भगवान मतलब पृथ्वी माता को बहुत दुख दे गई। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हम सबको समझा रहे हैं कि संसार का जो सौंदर्य है तथा ऐश्वर्य जो है भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, इसी मानवकृत योजना से नहीं। मानवकृत योजना क्या है? फैक्ट्री, कल कारखाना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन, मोबाइल, लैपटॉप। मान लीजिए सब कुछ है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है। खाने के लिए कुछ ना हो तो कब तक मोबाइल लैपटॉप से इंटरनेट से यूट्यूब देख के व्यक्ति जीवन जी सकता है? कब तक? आपके पास अच्छा हेडफोन है, अच्छा पंखा घूम रहा है, लेकिन खाने में आपका पेट मत, खाने के लिए कुछ नहीं है, पूरा सूखा पड़ गया है। तो भौतिक मेटेरियल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांस से आप क्या करेंगे? मरोगे। इसीलिए संपन्नता जो है ना, रियल संपदा, वो भगवान की कृपा। ये पृथ्वी की जितनी सारी संपत्ति देख रहे हैं, संसार का जो सौंदर्य तथा ऐश्वर्य जो है ना, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। अर्थात दूसरे शब्दों में, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, कोयला हो, कोयला खान हो, सोने की खान हो, जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रहे थे। कब? जब भगवान श्री कृष्ण ही संसार में थे, इस धराधाम में थे। तो हम लोग पिछले श्लोक में, श्लोक के माध्यम से हम लोग देखे कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोग अपने हृदय में कैसे धारण कर सकते। श्रील प्रभुपाद हम सबको इंडिकेशन दिया। इंडिकेशन क्या है? कि अगर संसार में अगर सुखी जीवन चाहते हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, या पूरा सामुदायिक हो, फुल्ली देश हो, या अपना घर हो, अगर सुख समृद्धि पाना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए क्या करना है? पृथ्वी में सदैव भगवान को बसाए रखना है, ताकि भगवान कभी पृथ्वी को छोड़कर ना जा सके। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि पृथ्वी जो है, और भगवान जो है पृथ्वी में, उसको कैसे रखेंगे? वो तो अपना लीला समापन करके चले जाएंगे भगवत धाम। तो कैसे उनको हमेशा के लिए यहाँ पे बंदी बनाया जा सकता है? हमेशा के लिए कैसे उनको यहाँ पर संतुष्ट किया जा सकता है, ताकि भगवान कभी इस धाम को छोड़कर न जा सके, सर्वदा यहीं पर रहे इस पृथ्वी लोक में। तो इसके लिए सबसे अचूक उपाय है भगवान की कथा, भगवान का नाम। कहा जाता है कि हनुमान अभी तक मरे नहीं, अर्थात इस संसार में जितने सारे भगवान के अवतार आए और चले गए, लेकिन हनुमान अभी तक भगवत धाम नहीं गए, यहीं पर है। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि हनुमान ने भगवान रामचंद्र से वरदान चाहता। सबको जब भगवान रामचंद्र वरदान दे रहे थे, सबको अपना अभीष्ट पूर्ण कर रहे थे, तो जब हनुमान की बारी आई तो बोले कि हनुमान आपको क्या चाहिए? तो
हनुमान ने उत्तर दिया कि प्रभु जहां भी पृथ्वी लोक के किसी भी जगह में जहां भी आपकी कथा हो वहां पे मैं विराजमान रहूं, मैं आपसे ही वरदान चाहता हूं। तो जरा सोचिए कि भगवान की कथा कितना प्यारा है कि जब एक भक्त को इतना लोभित अर्थात आकृष्ट करता है तो स्वयं भगवान को कितना आकृष्ट करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग अपने एग्जाम्पल मैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से दे सकता हूँ। जब मायापुर टीवी में हम क्लास देते हैं, चाहे टॉक शो हो या कोई भी क्लास हो, जब अच्छा होता है, इतना सुंदर होता है कि हृदय में आनंद आ जाता है, तो वो चीज खुद का अपनी वाणी सुनने के लिए मैं खुद लैपटॉप करके लैपटॉप ऑन करके उसको सुनता हूँ, खुद की वाणी। तो जरा तो साधारण आय में तुच्छ जीव आय में मेरे पास क्या योग्यता, कुछ भी नहीं, मैं तुच्छ जीव हूं, फिर भी अपने आप पर आकृष्ट है। तो जरा सोचिए भगवान क्या है, समस्त सुंदरता का मूर्तिमान स्वरूप है, सर्वेश्वर जो है उनमें से एक है सुंदरता। जितनी सारी संसार में सुंदर चीज देखने को मिल रहा है वो उनका मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। कैसे नहीं अट्रैक्टेड होंगे कृष्णा, तो जैसे उनकी सुंदरता है मधुर, उसी प्रकार उनकी लीला भी है मधुर, सब कुछ मधुर है, एवरीथिंग इज स्वीट, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम लोग जप कीर्तन करें तो क्या होगा, भगवान यहाँ पर चले आएंगे। और दूसरी बात, चले आने का मतलब क्या, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि भगवत धाम चले गए मतलब यहाँ पे खाली हो गए, भगवान यहाँ भी है वहां भी है, इतो निशिंगा पर तो निशिंगा, जहां देखो वही निशिंगा, जतो जति जामि ततो निशिंगा, अंदर नृसिंह बाहर नृसिंह, मैं उसी नृसिंह देव के चरणों में समर्पित होता हूँ, नरसिंह मादम आदिम शरणम प्रपद्ये। ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग अपने जीवन को या अपने रिलेटेड जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि भक्ति देखिए कर्म फल से व्यक्ति कभी छुटकारा नहीं पा सकता। जो पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म किया है उसका फल से कोई भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन एक उपाय है वो कर्म फल से छुटकारा पाने का। मान लीजिए आपके जीवन में दुख लिखा है, गरीबी लिखा है, खाना नहीं मिल रहा अच्छी तरह, क्यों, अपने किए गए कर्म फल, किसी न किसी जीवन में इतना पाप कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप जीवन में दुख उठाना पड़ रहा है। इसको आप कितना भी सोचे, दिन रात भर चिंतन करे कैसे जीवन बदलेगा, कोई चिंतन से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज है जो बदल सकता है, वो है कृष्ण की भक्ति, वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। ये कृष्ण नाम से बहुत बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत पिघल गए हैं। तो हमारा साधारण रोजी रोटी, दो तीन रोटी, पांच रोटी, एक छत, ये पाने के लिए चिंता क्या करना है, ये हरि नाम से क्या क्या नहीं हुआ है, सुदामा का क्या नहीं हुआ, श्रीवास ठाकुर का क्या नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर का क्या नहीं हुआ। और अपने अभी वर्तमान इस्कोन जीवन में देखिए, इस्कोन में जो व्यक्ति कनेक्टेड हो जाता हरि नाम करता है, भिखारी से राजा बन जाता है। सड़क गोस्वामियों के काल में क्या था कि सड़क गोस्वामी गण राजा का लड़का था, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए तो सभी भिखारी बन गए, श्रील प्रभुपाद के संपर्क में जो भिखारी है वो आके राजा बन जाते। तो चैतन्य महाप्रभु की कितना कृपा शक्ति श्रील प्रभुपाद के अंदर है, जो कोई भी श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट करता है उनका जीवन धन्य हो जाता है, वो बिकम ए किंग, राजा बन जाता है, किसी चीज का अभाव नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को हमारी भक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना है ताकि हमारे रिलेटिव्स, हमारे माता पिता, भाई बंधु, गांव, हमारे मित्र संबंधी सभी
सुखी जीवन व्यतीत करे। जैसे ध्रुव महाराज अपने भक्ति का इतना प्रताप था कि अपनी माँ को पहले ही भगवत धाम भेज दिया, जिस तरह का भक्ति किया था। प्रहलाद महाराज अपने भक्ति का ऐसा प्रताप था कि 21 कुल उद्धार हो गए। हाँ, तो उद्धार जब हो सकता है तो किसी को हम लोग सर्वाइवल के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी प्रार्थना करेंगे ना, वो खाली नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं। देर लगता है लेकिन खाली नहीं जाता। इस संबंध में मुझे वो जो घटना याद आया महाराणा प्रताप का, कि जब एक साधारण महाराणा प्रताप के लिए व्यक्ति इतना विश्वासी हो के आ सकता, तो भगवान तो भगवान है, महान है। अकबर का एक व्यक्ति था, मतलब राइट हैंड था, खान बाबा। क्या नाम, क्या नाम है? भैरव खान। बैरम ओ, बहरम खान। तो बहरम खान, तो उनको अकबर ने क्या किया, पॉलिटिक्स करके उनको मारने का प्लान किया। तो बहरम खान ये चीज समझ गया कि अभी अगर कोई मुझे सहायता कर सकता तो एक है, वो है महाराणा प्रताप सिंह। मेरे मुसलमान भाई के अंदर में भी इच्छा नहीं मुझे जिंदा रखने का, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है इस पूरे पृथ्वी में, वो है महाराणा प्रताप, और वही मुझे बचा सकता है। कितना कॉन्फिडेंस। उन्होंने एक लेटर लिखा महाराणा प्रताप के लिए, और वो लेटर उनको मिला। तो शत्रु बहरम सिंह को बहुत मार रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आस है कि प्रताप आएगा तो जरूर। ये हो ही नहीं सकता, तो जरा सोचिए कि सारा जीवन भर जिस प्रताप को मारने के लिए मे बहरम खान कितना षड्यंत्र किए थे, बॉम्ब से, गोला बारूद से, पहाड़ से, सांप से, कितना कुछ। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में जब वो खुद विपत्ति में गिरे और महाराणा प्रताप से मतलब मदद मांगी, सहायता मांगी, तो महाराणा प्रताप आए, मृत्यु के क्षण में आए, पहले ही आते, लेकिन क्या करे, शत्रु उनको रोकना रोके, जिसके कारण देर हुआ। तो जरा सोचिए, जब इस भौतिक जगत के प्राणी के अंदर इतना ईमानदारी हो, जिनके नाम में कितनी ईमानदारी है। जैसे भगवान को लोग, जैसे सीरियल में होता था ना शक्तिमान, जैसे कोई विपत्ति में पड़ते तो शक्तिमान को बुला लेते थे, तो शक्तिमान वहां पे पहुंच जाता था, गंगाधर। तो वो तो काल्पनिक है, लेकिन महाराणा प्रताप तो ओरिजिनल है, एकदम हकीकत की जीवन है। तो जब एक साधारण व्यक्ति को अगर मन ही मन पुकारे या कुछ उम्मीद लगा के बैठे, तो वो आके उनको रक्षा करते हैं। तो जरा उस भगवान के बारे में क्या बोला जाए। इसीलिए कृष्ण से हर तरह का प्रार्थना करना चाहिए, जो भी मन में प्रार्थना है भगवान से बोल देना चाहिए। भगवान तो चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे, है ना। मैं सच बता रहा हूं अपने जीवन का। मैं अपने माता पिता के लिए बचपन से दुखी हूं। जब से मैं नंगा घूमता था, तब से मैं अपने माता पिता के लिए दुखी था, कि मैं अपने माता पिता को कैसे सुखी बनाऊं। सच बता रहा हूं, भागवतम क्लास में बैठकर मैं हर दिन हर रात भगवान से प्रार्थना करता था, ताकि वो लोग सुखी रहे, किसी चीज का अभाव ना हो। ठीक है, अभी देखिए कृष्ण की कृपा, भगवान ने सुन लिया, हर तरह से उनका कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर से रह पा रहे, खाना पीना रहना सब कुछ ठीक है। तो भक्ति ऐसा चीज है ना, भगवान से मांगेंगे, कब से मांग रहा हूं, जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, जब मेरा उम्र था 2008 में मैट्रिक लिखा, तो 2008 को 5 साल पीछे कर दी, 2003। तो 2003 से मैं अपने माता पिता के लिए रोता था, मेरे माता पिता को सब शांतिमय जीवन दे, क्योंकि लोग बहुत दुखी है, बचपन से मैं दुख झेला हूँ। खैर, मेरा जीवन तो राजा की तरह है, जब से 5 क्लास से लेकर मेरा जीवन राजा की तरह है, कभी भी मुझे दुखी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, उनका जीवन राजकीय बन जाता है, अर्थात भगवान उसको राजा बना देते हैं।
और ये मैं प्राउड से फील, मतलब ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि सच में कृष्णा की क्या हेतु की कृपा रही होगी मेरे जीवन में, कभी भी मुझे झुकने नहीं दिया, हर क्षेत्र में एकदम राजा बना के रखा, हर परिस्थिति में। इसीलिए मैं तो क्या बताऊं। तो जो भी है, मेरा चिंता था मेरे माता पिता को लेकर, देखिए उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है, उनको रखने के लिए, उनके जिम्मेवारी के लिए और भी दो भाई हैं, वो लोग, और भाई का भी और बहुत सारे पुत्र पुत्रियां आ गई, पुत्रियां हैं, मेरी बहन की भी एक पुत्र, एक पुत्र, कितना लोग, तो अभी वो लोग वही पर घेरे हुए हैं। जिस चीज का मुझे चिंता था, वो चिंता का कोई मुझे, मतलब मुझे टेंशन ही नहीं लेना पड़ता। टेंशन कब होता, जब वो माता पिता का एक पुत्र रहता और ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता, तो माता पिता को कैसे देखे। लेकिन कृष्णा का अरेंजमेंट देखिए, उस तरह का कोई चिंता ही नहीं करना है। आप रहिए मायापुर में, वो लोग भी सुखी है। ठीक है, अभी मेरा जो एक दूसरे माता पिता है उनको लेकर मेरा चिंता है, मेरे ससुर सासुड़ी को लेकर, क्योंकि मेरे ससुर सासुड़ी की 3 बेटी है, बड़ी बेटी, मझली बेटी और छोटी बेटी, जिनसे मेरा शादी हुआ। और छोटी बेटी की इच्छा नहीं थी कि शादी करे जीवन में, उनकी इच्छा थी कि माता पिता की सेवा करे सारा जीवन भर। लेकिन क्या करे, वो तो पुत्र नहीं है, बेटी है। बेटी अगर घर में मतलब रहे तो समाज के लोग विभिन्न प्रकार के ताना सुनाएंगे, विभिन्न प्रकार से ये करेंगे, और बेटी अगर कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे, अपने बूढ़े माता पिता को सेवा कैसे करें। बेटी को चिंता होता है, और वो कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, बिना शादी करके कैसे रहेंगे, कहाँ कमाने, किसी के दुकान में रहेंगे, कुछ पैसा मिलेगा तब तक तो और छेड़खानी, और कितना प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिसके कारण भगवान की कृपा से शादी हुआ मेरे साथ। तभी उनका जो चिंता है, वो चिंता, अब जैसे वो उनका पुत्र नहीं, लेकिन मैं तो अभी पुत्र बन गया, अभी मेरा चिंता है उन लोगों को कैसे मुझे सेटल करना। तो कृष्णा है सर्वशक्तिमान, कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखे ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान करके रखे ही है, होगा है। मैं तो महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मायापुर धाम में उन लोगों को वास मिल जाए, और भगवान, मैं रोज पंचतत्व से प्रार्थना करता हूँ। आगे देखते हैं, देखने की क्या बात है, भगवान से कुछ प्रार्थना करेंगे मतलब कुछ पूरा होगा ही, क्योंकि अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है, आज तक मैंने भगवान से जो कुछ भी मांगा हूं, मैं तो निराश नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि प्रिय तो नहीं हूं भगवान का, प्रिय भक्त तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है भगवान मुझे प्रिय माने। मैं तो अपनी दृष्टिकोण से तो नहीं मानता कि आई एम डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा, मैं प्रिय भक्त हूं, लेकिन कृष्णा अपनी कृपा, अपने हेतु की कृपा से प्रिय मानते हैं, इसीलिए तो हर समय, जिस समय, जो जो जिस चीज की मांग करते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इच्छा है, ये भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि भगवान है वांछा कल्पतरु, उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है। एक चुटकी बजाय, एक इशारा करेंगे तो वो सब कुछ मिल सकता है। अभी डिपेंड, जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक बच्चा है, राजा का लड़का है, तो राजा का लड़का जब वो छोटा रहता तब तक उनको राजा का सब फैसिलिटी नहीं मिलता, उनको जो घर में रहने का, खाने पीने का, बिछाना में घूमने का, माँ के साथ रहने का ही फैसिलिटी है। लेकिन जब वो बड़ा बनता है तब उनको सब कुछ फैसिलिटी मिलता है, गाड़ी चलाने का, घोड़ा चलाने का, रथ चलाने का, कहीं पर जाने का, डिसीजन लेने का, जब बड़ा होता है। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन में जैसे जैसे हम लोग अग्रगति करेंगे, वैसे वैसे भगवान हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान देंगे और इच्छाओं को पूरी करेंगे। और भक्ति जीवन में जितना हम लोग ढीला करेंगे, भगवान भी ढीला रहेंगे। भक्ति जीवन ऐसा ही है,
इसीलिए हमारे भक्ति को सुदृढ़ बनाना है, इतना भक्ति करना है, इतना कठोरता के साथ करना है ताकि भगवान को बोलना पड़े, कृष्ण को राधा रानी से बोलना पड़े, नारायण को लक्ष्मी देवी से बोलना पड़े, वाह कैसा भक्ति कर रहे मेरा भक्त। जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज की भक्ति में इतना प्रसन्न हुआ भगवान, लक्ष्मी देवी को बोलना पड़ा, विष्णु भगवान बोले कि आज तक मुझे जो सुकून, जो आनंद की अनुभूति नहीं हुआ था, एक नन्हा सा बालक ध्रुव अपने भक्ति से मुझे आनंद से पूरित कर दिया। तो ऐसे भक्ति करना ठीक है। खैर जो भी है, तो पृथ्वी माता ये सब चिंतन कर रही है कि कृष्णा जब तक थे हमारे साथ तब तक फल फूल नदी नाला एवरीथिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास था, लेकिन जैसे ही वो चले गए कली का आक्रमण हो गया, तो ये सब चीज देख के पृथ्वी माता रो रही है। जो पूछा था बेल ने, धर्म ने, जो पृथ्वी माता एक एक करके जवाब दे रही है। किस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 31, 32, 33, और इस संबंध में माता जी अगर आपका कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं हाँ? क्या, जी, नहीं प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है प्रभु जी। लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं सब समय। मैं आपको देख के कथा बोल रहे, आप अपनी माँ को देख के जीवित है। कम से कम भागवत कथा के समय तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। कर्म फल है बाबा, कुछ भी अगर कर सकते तो एकमात्र भक्ति के द्वारा किसी का लाइफ को चेंज किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। उसके लिए मर जाए मिट जाए कुछ नहीं होने वाला। कृष्णा जब प्रसन्न होगा तो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, माँ का अवस्था कैसा है? माँ ठीक है, जैसा हाँ है वैसा, जैसा रहती है वैसा ही है। वीडियो को उधर घुमा के दिखाइए तो आपकी माँ कैसी है? गई है उस रूम में, आगे वाला रूम में गई। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग कथा को यहीं पर विराम करते हैं। वांछा कल्पतरु भय, कल्पतरुभस्य च कृपा सिंधु भयो यम च पतिता नाम पावने भयो वैष्णो भयो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, गीता जय हरि गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।